अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोमल कुक्स। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है चिकन पकोड़ा। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है और इसको आप एपिटाइजर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हमें इसके लिए चाहिए हैं वो हैं 2 पाउंड चिकन कीमा, यानी कि अराउंड 800 ग्राम के चिकन का कीमा है और बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हुआ है, इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं है। उसके अलावा 6 to 8 ग्रीन चिलीज हैं, 2 मीडियम साइज ऑनियन, 2 टीस्पून हरा धनिया है और इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चॉप किया हुआ है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 to 3 टीस्पून सॉल्ट है, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 टीस्पून साबुत जीरा लिया है, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा लिया है, यानी कि बेकिंग सोडा, और 1 एग लिया है। अब मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लिया है और इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग के बाद आप इसको बेशक बॉल्स की शक्ल के पकोड़े बना के फ्राई कर सकते हैं या फिर लाइक सिंपल पकोड़ों की शेप के, बॉल्स की शेप के भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इन पकोड़ों के साथ जो चटनी बनती है वो भी बहुत ही मज़े की है और उसके लिए हमें चाहिए है अराउंड 2 टेबलस्पून पुदीना यानी कि मिंट, 2 ग्रीन चिलीज एंड अराउंड 2 टेबलस्पून हरा धनिया एंड 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से एक ब्लेंडर में मिक्स कर लेंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये देख लें मिक्स हो गई है और इसमें अब ना हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही मज़े की चटनी है। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पे गरम कर लिया है और कुछ मैंने जो है पकोड़े ये बॉल्स की शेप के बनाए हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करिएगा क्योंकि फिर एकदम से ये पकौड़े जल जाएंगे और अंदर से फिर वेल कुक नहीं होंगे। और इनको हम लाइक 6 to 8 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे। बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखें इनका कलर कितना अच्छा है। इनको मैंने 8 मिनट पे फ्राई किया है ऑन मीडियम हीट, तो ये देखें इनका कलर कितना अच्छा है। इनको हम निकाल लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पकोड़े एक टाइम पे ना डालने क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से फिर उनको इवन हीट नहीं मिलेगी। अब ये वाले पकोड़े भी बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर चेक करें, इनको भी हम आउट कर लेते हैं। हमारा चिकन पकोड़ा अब रेडी है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 शेप्स के पकोड़े फ्राई किए हैं, लाइक ये बॉल्स की शेप के और ये पकोड़ों की शेप के। इस चटनी के साथ बहुत ही आप इंजॉय करेंगे और होपफुली आपकी भी ये रेसिपी अच्छी बने और आपको पसंद आए। सो फ्यूचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कोमल कुक्स। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।